कृपा, क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है। पिछले 3 दिनों से हम साथ हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और दुनिया में हूँ, जहाँ सिर्फ हम हैं, हमारा प्यार है और कुछ भी नहीं है। इसमें घबराने की क्या बात है? घबराने की बात है अंगद, क्योंकि हमारी इस दुनिया में सिर्फ हम हैं, हमारा परिवार नहीं। कृपा। अंगद, मैंने हमेशा से तुम्हारी उस छवि से प्यार किया है, उस छवि से जो मेरे मन में थी तुम्हारे लिए, उस अंगद की, अंगद और रॉकस्टार की। लेकिन वो प्यार नहीं था अंगद, वो एक पूजा थी, एक वर्शिप थी। लेकिन लेकिन जब मैं तुमसे मिली, मेरी वो छवि टूटकर बिखर गई। मैं तुम पर नाराज हुई, रोई, चीखी, चिल्लाई, क्योंकि क्योंकि मुझे लगा तुमने मेरा दिल ही तोड़ दिया। लेकिन लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ, तुमने मेरे दिल को नहीं, मेरे भ्रम को तोड़ा, उस छवि को जो मैंने अपने दिल में बनाकर रखी थी। लेकिन मैं संभल गई, पर अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती अंगद। मेरा दिल टूटकर बिखर जाएगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और ये कोई भ्रम नहीं, मेरी हकीकत है। लेकिन लेकिन हमारे इस प्यार का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक सबको इसका पता ना चले, क्योंकि क्योंकि हमारे इस प्यार को समझने वाला यहाँ कोई नहीं है अंगद। तो हम एक नई दुनिया बसाएंगे कृपा। कृपा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, और मैं ये सारी दुनिया के सामने कहना चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरी हो। लेकिन लेकिन जीने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता अंगद। सच कहा तुमने, प्यार ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्या? हाँ कृपा, मैं तुमसे सिर्फ प्यार नहीं करता, क्योंकि प्यार सिर्फ एक जज्बा है जो दिल के रिश्तों को जोड़ता है। ये तो सिर्फ सिर्फ एक एहसास है जो इंसानों को महसूस कराता है। जो चीज मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूं, उसका एहसास इन सबसे बहुत बड़ा है कृपा। तुम मेरी हर सांस में बसी हो कृपा, तुम मेरी जिंदगी नहीं बल्कि मेरा वजूद हो। Damn it, कृपा, why don't you believe me? क्या हो गया था मुझे? क्यों मैंने ऐसे रिएक्ट किया? वो कितना डर गई थी। वो पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्यों मैंने उसे हर्ट किया, कितना खुश था वो। मैं उसे कैसे समझाऊं कि वो मेरे लिए क्या है? वो मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? वो मुझसे प्यार करता है, फिर मुझे इस बात का डर क्यों लग रहा है?
तुम्हें क्या लगता है मैं इस लिपस्टिक से तुम्हारे ऊपर साइन करना चाहता हूं, बाकी लड़कियों की तरह? आप जब किसी के ऊपर साइन करते हैं तो वो चीज हमेशा के लिए आपकी हो जाती है। यू ओन दैट थिंग, और मैं चाहता हूं कि तुम इस लिपस्टिक से मेरे ऊपर साइन करो कृपा, ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊं। तुम सिंदूर की ताकत को नहीं जानते, वो एक ताकत है, एक कमिटमेंट जो एक लड़का एक लड़की की मांग में सिंदूर भर कर करता है, जिंदगी भर साथ निभाने की कमिटमेंट। सांसों को पैगाम लेने दो, इस रात को कोई इल्जाम लेने दो, बस कांपने दो लबों को, सुन लो जरा धड़कनों को, आगोश में इसकी मुमकिन है जल जाए, ये इश्क की आग है, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है, कैसा ये भगवान, ये हम दोनों के बीच में कल रात क्या हो गया? कृपा, ये तुमने क्या किया? अब मैं क्या करूं? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा कृपा। एक सैलाब आया जिसने हम दोनों को बहा दिया कृपा। कृपा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्यों हुआ? जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। ये कैसा जुनून था, कैसा नशा था? नशा? कल रात हम दोनों ने शराब तो नहीं पी थी ना, फिर ऐसा कैसे हो गया? एक मिनट, जरूर हमारे कोक में किसी ने कुछ मिला दिया होगा। कृपा, कल रात हमारे बीच जो भी हुआ वो सिर्फ प्यार था। इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूं कि उन सब रस्मों और कस्मों से बढ़ के था जो दुनिया में निभाई जाती है। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं वो रीति रिवाज निभाने को तैयार हूं। नहीं अंगद, अगर मुझे अपनी मंजिल का पता नहीं होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ इतना बड़ा कदम नहीं बढ़ा पाती। मुझे हमारे प्यार पर पूरा भरोसा है अंगद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और
हमेशा करती रहूंगी। मैं जो तुम्हारे बारे में अपने दिल में महसूस करती हूँ वो सच्चा प्यार है। कल रात जो हमारे बीच हुआ वो उसी सच्चे प्यार का एक हिस्सा था। सच्चे प्यार की वजह से कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता ना। मॉम, रिसेप्शनिस्ट का फोन था, मिस्टर भाटिया आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आई होप सब कुछ ठीक हो, पर जहां तक मेरी अकल जाती है मुझे लगता है कि उनके बॉसेस माने नहीं होंगे। आई थिंक दे विल डेफिनेटली सू अस। ओ कार्तिक, स्टॉप इट। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने उनसे बात कर ली है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और मुझे नहीं लगता कि खामखा वो इस बात को बढ़ाना चाहेंगे। आफ्टर ऑल अंगद इज अ सुपरस्टार। वैसे भी आगे उन्हें बहुत प्रमोशंस करने हैं, पर वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर अंगद उनके लिए कोई काम करेगा तो वो हिट होगा। हेलो मिस्टर कार्तिक। हेलो मिसेस खन्ना। क्या खबर लाए हैं? मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मेरे बॉसेस नहीं मानेंगे, उन्होंने आपकी कंपनी के खिलाफ केस फाइल किया है और आपके लाडले बेटे अंगद की वजह से हुए नुकसान के लिए 50 करोड़ का दावा किया है। लेकिन मिस्टर भाटिया, सॉरी मिस्टर कार्तिक, मॉम देखिए आप परेशान मत होइए, मैं जानता हूँ ये सारी गलती अंगद की है, पर मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा हम लोगों को इतने बड़े नुकसान से बचाने के लिए। क्या खेल किस्मत ने संग मेरे खेला है, उल्फत की राहों पे ये दिल अकेला है। नहीं, मैं ये सगाई नहीं करना चाहती। मैं ये सगाई नहीं करना चाहती। मैं ये सगाई नहीं करना चाहती। भाई मिष्टी, व्हाट्स अप? भाई व्हाट इज दिस? क्या तुम अभी तक उसे भुला नहीं पाए हो ना? नहीं, कोशिश तो बहुत की। इट्स जस्ट टू डिफिकल्ट। हाँ मैं जानती हूँ कितनी तकलीफ होती है ऐसी हालत में। तुम कैसे जानती हो? आई मीन मैं समझ सकती हूँ ना कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। तुमने उसे इतना प्यार किया, उसने एक ही पल में तुम्हारे साथ, आई नो हर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट जस्ट डजंट मेक अ डिफरेंस टू हर कि उसने तुम्हारा, भाई उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मिष्टी प्लीज, मुझे के पास से कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता, समझ गई ना? भाई मैं कृपा के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि उसने तुम्हारे प्यार की कदर ना करके बहुत बड़ी गलती की है और एक दिन उसे इस गलती का एहसास जरूर होगा। अगर नहीं हुआ तो वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक होगा। या हाय पृथ्वी, कार्तिक बोल रहा हूँ, तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? या
ठीक है कार्तिक, मम्मी अभी मीटिंग में है, वापस आ जाए तो मैं उनसे बात कर लूंगा। फिक्र मत करो, कोई ना कोई सलूशन हम ढूंढ लेंगे। थैंक्स अ लॉट मॉम। मैंने तकरीबन उन सभी लोगों से बात कर ली है जो हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब हमें फौरन मुंबई जाना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। आई एम श्योर दामिनी इज द बेस्ट, वो हमारी मदद जरूर करेगी। आई नो बेटा, ये केस किस हद तक बिगड़ सकता है, लेट्स सी। केस इतना आसान नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई कि उनका नुकसान ना हो। लेकिन मामा, 50 करोड़ कोई मामूली अमाउंट नहीं है। आई नो बेटा, लेकिन ये बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ऐसे ही होते हैं, एकदम कट थ्रोट एटीट्यूड होता है उनका। अगर किसी बात का इशू बना ले तो दे डोंट केयर। एनीवेज मॉम, मैंने कार्तिक से कह दिया कि हमारे बस में जो भी होगा हम करेंगे। आज ही मुंबई वापस आ रहे हैं, इनफैक्ट बस पहुंचते वाले होंगे। सो लेट्स गेट टू वर्क। हमारे लॉयर्स को कॉन्टैक्ट करो और बोलो कि ऑफिस में आ जाए मीटिंग के लिए। अंगद उठो। अरे क्या कर रहे हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या हुआ? मुझे नहाने जाना है। लवली आइडिया, मुझे भी नहाना है। मैं नहाने जाऊंगी और तुम बाहर जाओगे। लेकिन स्वामी, मैं तो पिछले 3 दिनों से यहीं पे हूँ आपके शरणों में, अब मैं घर तो। अंकल मजाक करना बंद करो और बाहर जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है, मेरी शर्ट तो दो। लेकिन तुम्हारी शर्ट कहाँ है? तुम्हारे कुर्ते के नीचे है। ये लो तुम्हारी शर्ट, और अब जाओ यहां से, जाओ ना। कमाल, अंगद को बाहर निकाल दे। अरे मेरा जैकेट। क्या है? मेरा जैकेट अंदर रह गया। तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसे होता है, अब तुम्हें मेरी जरूरत कहाँ, इसलिए भागा रही हो। ये मैंने क्या कर दिया, अंगद को अपना कुर्ता दे दिया और उसका शर्ट यहाँ रह गया। अंगद ही होगा। ये लो तुम्हारा शर्ट।